दिग्विजय सिंह इन दिनों एक अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। कभी वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुनाई दे जाते हैं तो कभी शिवराज सिंह चौहान पर। पर अब दिग्विजय सिंह के निशाने पर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है और आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में ईडी के छापे पड़ने वाले हैं। एक तरफ तो वो अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मेरा ये आरोप है और ये अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां कहां की जानकारी रहती है। अगले 4 दिन में देख लो। दिग्विजय की माने तो उनके पास अंदर तक की सारी खबरें मौजूद हैं, इसीलिए वो ये जानते हैं कि ईडी के छापे कब और कहां पड़ने वाले हैं। दिग्विजय की माने तो आने वाले 4 दिनों में ईडी के छापे मध्य प्रदेश में पड़ने वाले हैं। अब देखना यही है कि दिग्विजय के दावों में कितनी सच्चाई मौजूद है।